सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना MP उज्जैन से है, जहाँ पे दो बहनें रहती हैं। और हैं तो वो दोनों बहनें हैं, ट्विंस हैं दोनों, लेकिन दोनों के जो विचार हैं, दोनों की जो भक्ति है, बिल्कुल अलग है। मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। तो उन दोनों का नाम होता है, एक का नाम होता है मीता, दूसरे का नाम होता है मिताली, जो कि ट्विंस बहनें हैं, ट्विन सिस्टर हैं। अब क्या होता है कि जो मीता होती है वो बड़ी बहन होती है और मिताली छोटी बहन होती है। लेकिन जो मीता होती है वो लड्डू गोपाल की अटूट जो कहते हैं ना कि अटूट श्रद्धा जिसमें होती है, वैसे ही ये मीता होती है। और मीता लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती है, क्योंकि मीता और मिताली के भाई नहीं है, तो वो हमेशा लड्डू गोपाल को भाई मानती है। भाई ऐसे मानती है कि एक बार जब ये लोग बहुत छोटी छोटी थी, जब इनको इतनी समझ नहीं थी, तो ये हमेशा अपनी माँ से कहती थी कि माँ मेरे भाई नहीं है, मुझे राखी में राखी बांधना होता है, सारी मेरी जो फ्रेंड है वो अपने भाई की राखी बांधती है, लेकिन मैं किसको बांधूँ, हम लोग किसको बांधें। तो इसकी जो माँ होती है तो वो पहले कह देती थी कि तुम लोग एक दूसरे को बांध लो राखी, तो क्या हुआ अगर भाई नहीं है तो तुम दोनों एक दूसरे के भाई बहन बन जाओ, ऐसे करके समझाती थी। और कि अब क्या कर सकते हैं, है नहीं तो अब बच्चों को मनाने के लिए कुछ ना कुछ तो माँ को करना पड़ेगा कि ये थोड़ी देर के लिए वो हो जाए, लेकिन ये मानती ही नहीं थी, बहुत रोती थी राखी वाले दिन। तो अब उसकी माँ सोची कि अरे अब क्या किया जाए ऐसे, कि ये तो बहुत परेशान रहती है, और किसके भाई को मतलब अपना ये भी नहीं कह सकते ना कि ये तेरा भाई है जब तक सगा ना हो। तो ऐसे रिश्ते में तो बहुत थे, चाचा के बेटे भी थे और है तो मौसी के, बुआ के थे, बहुत भाई थे, लेकिन वो ऐसे नहीं भाई चाहिए था उसको, वही भाई चाहिए जो कि घर में रहे, उनके साथ में रहे भाई, वही भाई चाहिए था। अब एक बार क्या होता है कि राखी का एक साल आता है कि जब राखी का त्यौहार होता है, और ये बिल्कुल जिद में अड़ जाती है कि मुझे भाई चाहिए, मैं आज तभी खाना खाऊंगी जब मेरा भाई आ जाएगा। अब घर वाले सब परेशान, मतलब उसके पापा परेशान, मम्मी परेशान, मिताली को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि भाई है या नहीं है, वो मौज मस्ती में रहती थी अपने, लेकिन ये बहुत भावुक टाइप की थी, छोटी छोटी बातें इसको बहुत लगती थी। अब क्या होता है कि उनकी माँ सोचती है कि ऐसा क्या किया जाए, तो फिर उनके दिमाग में आता है कि चलो आज इसका भाई ही दिलाते हैं। तो क्या होता है कि ये लोग मतलब इसकी मम्मी और पापा जाते हैं मार्केट, और मार्केट से बड़े सुंदर से राखी के दिन ही लड्डू गोपाल लेके आती हैं, बहुत सुंदर, उनके इतने सुंदर से मेकअप किए होते हैं और श्रृंगार किए होते हैं, और वही लड्डू गोपाल वो लेके आती हैं। और फिर बाद में जब आती हैं और मीता को बुलाती हैं कि मीता इधर आओ, तो मीता आती है और कहती है, फिर उनकी जो माँ होती है वो कहती है कि लो आज से ये ही तुम्हारे भाई हैं, और इनकी बहुत अच्छे से सेवा करना, देखना, मतलब कि ये अगर इनसे भाई का रिश्ता निभाओगी ना, तो ये भी हमेशा तुमको अपनी बहन ही मानेंगे, और है तो इनके साथ अब राखी बांधना और इनको अपना भाई मानना, ऐसे कह देती हैं। तब से ये मीता जी जो हैं अपने लड्डू गोपाल को भाई मानती है उनको, अब तब से वो हर साल राखी में राखी बांधती, भाई दूज में दूज का टीका लगाती, सब कुछ मतलब सब कुछ भाई जैसे उनके साथ करने लगी थी, उनकी सेवा करती, उनकी मतलब कपड़े वपड़े सब कुछ श्रृंगार, एक भाई के भाव में उनकी सेवा करती, कुछ भी खाती, कुछ भी मार्केट से लेके आती तो अपने भाई के लिए ज़रूर लेके आती कि मेरा छोटा भाई है, ऐसे करके। अब क्या होता है, ये जो मिताली थी इनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो ये कहती थी अरे मतलब ऐसी समझती थी कि ये तो लड्डू गोपाल है, मतलब ये तो प्रतिमा है, ऐसे करके। लेकिन वो जो मीता थी वो इनको प्रतिमा नहीं मानती थी, इनमें सच में मानती थी कि ये मेरा भाई, कुछ भी बात होती थी हमेशा लड्डू गोपाल के साथ शेयर करती थी, एक भाई जैसे, स्कूल में कुछ भी हो माँ से बताती हूँ, अपने लड्डू गोपाल से बताती, और वही ये जो मिताली थी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये माँ से बताई तो बताई, नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी
सहेलियों में ही लगी रहती थी। इनको इनका ना तो लड्डू गोपाल के साथ कोई लगाव था, ना कुछ भी, ना कोई प्रेम था, ना भाव थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन वही मीता जो थी बहुत ही मतलब एक अटूट सा रिश्ता इनका था, बहुत श्रद्धा थी, बहुत विश्वास था, लगाव था इनके प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति। लेकिन एक बार ऐसी घटना घटती है जो कि मजबूर कर देती है मिताली को भी कि मानने पे कि हाँ, ये जो लड्डू गोपाल को मानती है अपना भाई, सच में मतलब ये भाई के रूप में ही है। अब क्या होता है कि इसकी हो जाती है मीता की तबीयत ख़राब। अब ये लड्डू गोपाल की अपनी सेवा नहीं कर पाती, और उसी टाइम पे क्या होता है कि इनके घर में मेहमान कोई आ जाते हैं। अगर ये मीता नहीं करती थी तो माँ करती थी, माँ नहीं करती थी मतलब एक दोनों ही मिलके लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, मिताली कभी नहीं करती। अब क्या होता है कि अब इनको मजबूरी, मीता की तो तबीयत ठीक नहीं है और है तो माँ आप कैसे करेगी उनकी सेवा, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं तो वो तो पूरे टाइम खाने में ही लगी रहती थी। अब मजबूरी में इसको मिताली को करना पड़ रहा था सेवा। अब ये वैसी सेवा करे बलाए टाइप की कि चलो अब इसको करना नहीं है, इस वजह से करना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से कहे 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 में ये करती थी, मन से बिल्कुल नहीं करती थी। अब ठंड का टाइम था तो ये मीता कहती है कि मिताली तूने लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से नहलाया कर, और है तो ठंड आ गई है, अब गर्म पानी से नहलाया कर, ऐसे ठंडे पानी से नहीं नहलाया कर। तो वो कहती है अरे छोड़ दूँ, ये जब देखो तब ऐसे किया कर, वैसे किया कर, मैं अपने हिसाब से कर लूँगी। अब क्या होता है, ये लड्डू गोपाल को लेती है नहलाने के लिए और ठंडे पानी से नहला देती है। उस दिन तो कुछ पता नहीं चलता, अब लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल की ये जो मीता थी इतने प्यार से सेवा करती थी, मतलब मौसम के हिसाब से उनको रखती थी। अगर ठंडी है तो उनको गर्म कपड़े पहना के, ठंडी है तो उनको गुनगुने पानी से नहला के जैसे नहलाती थी, जैसे कि खुद नहाते हैं। लेकिन ये कुछ भी भाव मिताली में नहीं था, वो एक मूर्ति प्रतिमा समझ के उनकी सेवा करती थी कि इनको भी क्या ठंड लगेगी, इनको भी क्या मतलब क्या महसूस होगा कि ठंडी है कि गर्मी है, ये तो पत्थर की मूर्ति है, ऐसे करके वो करती थी। अब कुछ दिन हो जाते हैं उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो कम से कम 3-4 दिन ये सेवा करती है। अब 5वें दिन इसको थोड़ी ठीक सा लगता है मीता को, तो वो नहाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है कि अभी रुक जा, अभी तेरी अच्छे से तबीयत ठीक नहीं हुई है, तो अभी 1-2 दिन और रह जा, फिर बाद में तू कर लेना लड्डू गोपाल की सेवा, अभी मिताली तो कर ही रही है, ऐसे करके उससे रहा नहीं जाता। उसको ऐसा लगता है कि क्या पता ये कैसे करती है, नहलाती है ठंडे पानी से कि गर्म पानी से। तो वो एक दिन बैठ जाती है वहीं मंदिर के पास कि आज मैं देखती हूँ कि ये करती क्या है। अब क्या होता है कि मिताली से कहती है कि मिताली तूने गर्म पानी किया है, वो कह देती है कि हाँ की हूँ, और है तो वो गर्म पानी नहीं करती है, ऐसे ठंडे बिल्कुल ठंडे में पानी कैसा हो जाता है, बिल्कुल बर्फ जैसे, तो वैसे ही पानी से ये लड्डू गोपाल को नहलाती है। अब वो देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि जो उसके लड्डू गोपाल हैं बिल्कुल रो देंगे, ऐसे उदास से हैं। तो उसको अंदर से ये भाव आता है कि मुझे ठंडे पानी से नहला रही है, मतलब अंदर से वो उसको ऐसे फील होता है कि मिताली ने गर्म पानी नहीं किया है, उनको ठंड लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको ठंड लग रही हो। अब वो जब पास में जाती है और है तो देखती है तो बिल्कुल ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड वाटर ऐसा रहता है, ऐसे बर्फ़ का पानी हो, क्योंकि ठंड का टाइम ही था, पानी तो बिल्कुल वैसे ही रहता है ठंडा। अब ये देख के इतनी गुस्सा होती है मिताली के ऊपर कि तू 4 दिन से सेवा कर रही है तो तू क्या ऐसे ही कर रही थी, क्या उनको गर्म पानी से नहीं नहला रही थी। तो वो बोली कि हाँ नहीं नहला रही थी, इनको क्या ठंड लगेगी, पत्थर की मूर्ति है, ऐसे ऐसे करके। और वो कह देती है, गुस्सा होके चली जाती है कि जा तू ही कर ले, नहीं करना मुझे तेरे लड्डू गोपाल की सेवा, ऐसे करके चली जाती है। अब माँ आती है और माँ देखती है कि अधूरे ऐसे ही लड्डू गोपाल बैठे हैं, उनके कुछ मतलब श्रृंगार नहीं की है, और है तो
ये भी बताती है कि माँ आज मिताली ने ऐसे किया और ठंडे पानी से नहला दी। फिर बाद में उसकी जो माँ होती है उनको समझाती है कि बेटा ऐसे नहीं करते, लड्डू गोपाल हैं, इनको भाव अगर जिस भाव में तुम इनको रखोगी ना वैसे ये भी तुमको अपना मानने लगते हैं। तुम कहती मुझे नहीं मनवाना, ना मैं भाई उनको मानती हूँ ना मैं चाहती कि वो मुझे अपनी बहन माने, ऐसे करके कह देती है। अब जब दूसरे दिन मिताली नहाने जाती है और ये गीज़र ऑन कर लेती है, इसको पूरा ये था कि मैंने गीज़र ऑन किया है, पानी गर्म हो गया है, अब ये पानी गर्म करने के लिए जैसे ही नहाने के लिए वो करती है बाल्टी में, इसको लगता है कि गर्म पानी है, अब ये जैसे ही डालती है इसको डल जाता है ठंडा पानी, तब इसको बिल्कुल ठुठुर जाती है ठंडे पानी से, तब इसको एहसास होता है और इसको लगता है कि अरे मैंने तो गीज़र ऑन किया है, मैंने तो पानी गर्म किया है और फिर ये पानी एकदम से ठंडा कैसे हो गया, ये क्या हो गया। फिर उसको एकदम से लगता है कि ये सही कह रही थी मीता की लड्डू गोपाल, मतलब उनको जो मानती है भाई के रूप में, और मैंने कल जो उनके साथ ऐसे किया हो सकता है इस वजह से हो। तो फिर बाद में वो बाहर आती है और ये बात मीता से बताती है कि आज मैंने पानी गर्म भी किया था, मुझे पूरा ध्यान है कि मैंने गीज़र ऑन किया था, लेकिन वो पानी गर्म नहीं हुआ और मैं आज मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा। तो सच में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तेरे लड्डू गोपाल में हाँ कुछ है, ऐसी कृपा है, ऐसी शक्ति है जो कि मतलब उनके साथ मैंने ऐसे किया तो वो भी मेरे साथ मतलब वो कर दिए कि हाँ मैं हूँ, मतलब मेरे साथ ऐसे करोगे तो मैं भी मतलब बता दूँगा कि हाँ मैं हूँ या नहीं हूँ। तो वो भी ऐसे करके फिर क्या करती है कि लड्डू गोपाल को मानने लगती है। और मीता भी समझाती है कि देखिए लड्डू गोपाल है, ये भक्ति जैसे तू करेगी वैसे ही पाएगी। और फिर दोनों बहनें मिलके फिर अच्छे से सेवा करने लगती हैं लड्डू गोपाल की। फिर माँ भी मिलके अच्छे से समझाती है कि बेटा ये जिस भाव में तुम इनको मानोगी ना वैसे लड्डू गोपाल भी मानते हैं, अगर तुम उनके साथ प्यार से रहोगी, अच्छे से रखोगी इनको, तो वो भी बहुत ही अनुभूति कराते हैं, बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं लड्डू गोपाल, ऐसे करके समझाती हैं अपनी बेटियों को। और फिर तब से दोनों बहनें लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से सेवा करती हैं और आज भी उनके घर में वो लड्डू गोपाल हैं और दोनों बहनों के बिल्कुल लाडले भाई हो गए हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल की, अगर जैसे भी हम उनके साथ करेंगे वो हमारे साथ वैसे ही अनुभूति ज़रूर कराते हैं। तो ये थी आज की लीला कथा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।